Otherwise, it's long ओके मैम, सुबह के बजे हैं 9:30, तो आज मैं सुबह से स्टार्ट करूँगी पूरा जो भी डे मैं करती हूँ वो सब शेयर करूँगी, क्योंकि फ्रेश होकर मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। चाय नाश्ता हो गया है, अब मैं बढ़ती हूँ पानी पीने का। तो पार्सल आया है, मेरी बहन ने मुझे, इसको अपन खोलते हैं उस कमरे में जाकर, क्योंकि इधर बच्चे और बच्चे के पापा सो रहे हैं। ये देखो, देखते हैं इसके अंदर क्या है। फिर नहीं भेजी है, पिछली बार बोला था तब उसने, अब चलो देखते हैं हम क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम माय चैनल हम सब का, जहां मैं हूँ नाजिल कुरैशी। आज का मेरा नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज है जुमा 15 जुलाई। ये साहब आप उठे हैं क्योंकि इसकी हो गई है छुट्टी, स्कूल की हुई नहीं है, कर ली है। क्यों करी है ये इससे जानेंगे कुछ देर बाद, क्योंकि अभी ये उठा है, इसको अभी हाथ मुंह जो भी फ्रेश होना है होने देते हैं। और ये अभी बच्ची सो रही है, ये उठती है 12 बजे, इसको सोने ही देते हैं क्योंकि ये जब जितना सोती है उतना घर में शांति है। और अभी ये उठते ही क्या करती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने नाश्ता कर लिया है, दुकान भी खोल के आ रही हूँ। दुकान क्या है कैसी है वो मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट। हाँ, तो दुकान के बारे में मैं बताऊंगी आपको, किस चीज़ की दुकान है मेरी और क्या करती हूँ मैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी आगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप किया तो कुछ मेरी बातें हैं अच्छी या बुरी वो आप मिस कर देंगे। तो फिर तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अभी मैं इसके पापा उठे हैं, नाने हैं बाथरूम, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए रोटी नाश्ता। आज की सब्जी है तो सिर्फ रोटी और चाय बनानी है, उसके बाद मैं काम करूँगी पूरा, उसके बाद नमाज नहाऊँगी पहले, फिर नमाज पढ़ूँगी। गर्मी बहुत है, जितना लाया उतना ही कम है, मैं कल ही नहीं थी अब नहाऊँगी। तो ये देखो, ये शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी तक देख रहा है वीडियो, ऐसा नहीं कि उठ के चला जाऊँ, ब्रश कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, इसको जब तक डांट नहीं पड़ती ना तब तक इसके दिमाग में कुछ अब देखो थोड़ा बोला तो ये उठ के जाने लगा है। और ये आ गई है अंशा, सबसे छोटी, ये देखो। हाय करो अंशा, उठ के क्या खा रही है, ये चिप्स खा रही है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। रोटी जल रही है मेरे से, मेरे से रोटी ऐसी बनती है, लेकिन अभी तो मेरे को आवाज लगा लिया था, तो कोई नहीं, अब मैं बाकी की रोटी भी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रात को तो इसने अपना रंग नहीं दिखाया था, अब देखो ये सब्जी ने अपना रंग दिखाया है जी, कैसी बनी है। रात को तो बोल रहे थे लेकिन आपको वीडियो में दिखाती हूँ, और अब ये खाएंगे और मेरे को बताएंगे। चलो बताओ, सच बोलना, अभी वीडियो के सामने से मत करना, वीडियो बनना तो तेरी तारीफ कर दी झूठी। फर्स्ट बाइट ओवर एक्टिंग की दुकान, जोर से बोलिएगा थोड़ा। मजा नहीं आ रहा है, देखो मैं जो सब्जी खाते हैं। पहले टीवी की आवाज कम करो। हाँ अब स्टार्ट, आज शीरी की डिश खा रहा हूँ मैं। शीरी की जो रेगुलर बनती ना, माशाल्लाह आज कई गुना अच्छी है, कई गुना अच्छी है। अच्छा, सच में नहीं खाते क्यों नहीं फिर? मैं रोटी बना ली, अब मैं खाना खा ली, लंच कर ली, लंच की देखभाल सब मेरा यही रहता है, इनके साथ ही करती हूँ। ये नो जल्दी में तो ये टूट रहे हैं, चाय बनाई नहीं, चाय के लिए मैं बोल रहे हैं, ये आवाज़ बहुत लाउड कर रही है। तो मैं अब मिलती हूँ आपको खाना खाकर।
हाँ तो मैं अब फ्री होकर नहाकर अब आ गई हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, जुमे की 2 बज गए हैं तो पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। बच्चे भी हैं वो भी आ रही है, उनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ नमाज के लिए। छोटी बच्ची वो बोली हम भी साथ पढ़ेंगे नमाज, तो उनको भी पढ़ा लेते हैं नमाज। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो हो गया है रेस्ट फाइनली। तो अब मैं कपड़े धोने आई हूँ, बज रहे हैं शाम के 5। कुछ ज़्यादा ही रेस्ट हो गया, नींद तो नहीं आई, उसमें से ही टीवी वॉच की और फोन चला रही थी बहुत देर तक। मैं देखो माही ये मोबाइल लेने आया, ये पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा स्कूल का, तो रुक जा ले जा। हाँ तो मैं कपड़े धोऊंगी, मशीन में नहीं, मशीन बहुत ख़राब हो गई है, बहुत दिन से ख़राब हो गई है, 2 या 3 साल हो गए लगभग, तो अभी तक सही कराने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही है मैं तो। और मैं अभी ये चेंज करूँगी कुर्ता, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, और मैं कपड़े धोऊँगी ना तो गीला भी हो जाएगा, तो सोचा इसको उतार देते चेंज कर लेते हैं। और भाई बना रहा है चाय, यानी इसके मामा, जब मैं कपड़े धुल जाएंगे फिर मैं उसके बाद चाय पीऊँगी, फिर उससे उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ठीक। हाय फ्रेंड, मैं नीचे आ गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया मैंने। हाय फ्रेंड, मैं आ गई हूँ फिर से, मैंने रेस्ट कर लिया है 10 से 15 मिनट, और अब मैं खाना बनाऊँगी, उसकी शायद वीडियो ना बना पाऊँ। मैं आज खाने में बना रही हूँ दाल चावल, तो बस इतने दिन हो गए बकरीद से बकरी बकरा खा रहे हैं, तो सोचा आज कुछ हल्का फल्का, हम सबका फेवरेट दाल चावल। दाल बनाई तो दाल पूरी जल गई कस्टमरों के चक्कर में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। हम रात का करे डिनर, रात के बज रहे 10। ये देखो दाल जल चुकी थी, फिर भी इसको थोड़ा सा सुधार किए, देखते इसमें स्मेल आती है या नहीं जलने की। और ये मेरे दाल चावल। तो बस अभी हम डिनर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। देखिए खाना खा रहे हैं, ये है अमन मामा, वो है मारपिया, वो है निशा, ये है खाला, और देखो ये खा रहे दाल चावल। निशा खे रही है और अच्छा है। हेलो गाइस, ये देखिए अब भी आए हैं मायर के पापा, 12:30 बजे आज जल्दी आ गए हैं, और ये लेके आए मेरे लिए गुलाब जामुन। मैंने बोला नहीं था, अंदर दिल में ही सोच रही थी कुछ खाना है मेरे को मीठा, पिज्जा भी लेके आए थे, मेरे को इसकी तो मन में नहीं आ रही थी, बच्चों के लिए लाए, एक इन्होंने पीस खाया एक मेरे। तो ये देखिए खाना खा रहे हैं, सुबह गए थे और अब आए, अब खाना खाएंगे। और काम है टीवी देखना, खाने में कम ध्यान रहता है, टीवी में सब्जी ना हो तो भी खाते रहते हैं। तो मैं पहले गुलाब जामुन को खा लेती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखो मैंने इनसे पूछा खा रहे हो क्या, इन्होंने मना कर दिया, फिर मैं वीडियो बनाते हुए मैं को ध्यान नहीं था कि ये खाने के लिए इन्होंने मुँह खोल रहे हैं, तो मैं खाने में ध्यान में खा गई तो ये बस मुंह खोलते रह गए, मतलब मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
ये हो गया नेक्स्ट डे, सुबह के बज रहे 7, मैं उठ गई थी 6:30, गोली ले ली, गर्म पानी पी लिया मैंने और मायर का नाश्ता बना दिया। नाश्ता में बस कुछ नहीं खाता वो, लेकिन आज से ही मैंने उसको डांट के बोला तुझे नाश्ता करके जाना, आज के बाद खाली पेट नहीं जाएगा स्कूल, तो ब्रेड और चाय का नाश्ता कराया मैंने इसको। तो बस उसको उठाते हैं, वो ड्रेस पहन के सो गया है, तो उसको उठाकर चाय और ब्रेड देंगे और फिर इसको स्कूल भेजेंगे। तो अभी उसको उठा लेते हैं, ये देखना आप, ड्रेस पहन के सो गया था ये बच्चा, रात को लेट सोता है तो ये थोड़ा सुला देती हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हम सब का जहां। आज हो गया दूसरा दिन, आपने देख ही लिया मायर चला गया स्कूल। अब मैं थोड़ी देर और सो जाऊंगी, 1 घंटा या 1.5 घंटा, 9:30 बजे उठूंगी वापस, पानी आएगा तब मैं फिर उठूँगी। क्यों सोती हूँ वो भी बताती हूँ मैं आपको। दिन में बच्चे सोने नहीं देते और ना नींद आती दिन में शोर शराबे से, गली में बहुत ज़्यादा शोर रहता है, तो इस टाइम बिल्कुल शांत रहता है तो सो नींद आती है तो सो जाती हूँ, वरना फिर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मेरे को नींद आएगी तो हाँ फ़ोन भी चला सकती हूँ मैं ऐसे। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे, पानी आएगा 9:30 या 10 बजे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तो बस बने रहिए मेरे साथ। मिसा ड्राइंग कर रही है, इससे पूछते क्या बना रही है ये, क्या कर रहे हो मिशा? मैं आपको पापा को बना रही हूं। अच्छा, ये किस, ये कौन है पहले ये बताओ? ये आपको, ये वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है आपको। ये देखो ये मैं हूँ, देखो ये कौन है, ये आपको, ये कौन है, ये पापा है। अच्छा, इतना मोटा मुंह बना दिया मेरा इसने, कैसे बनाती है वो बाल, ये बड़े बड़े बाल। अच्छा ये बाल है, वाओ ये इतना सा मुंह, अभी तो बोल दी थी मोटा का इतना। अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है, ये इतना सा मुंह काम नहीं कर पाएगा। ये स्पाइडर रिंग बना देती हूँ आपको, ये देखो। वाह वाह वाह, है ना, है ना, उड़िए मोटा सा पेट बना दो। ओ भाई देखो ये लड़की मेरे को बना रही है, मेरी ड्राइंग बना रही है, देखो इसको अच्छे से। ऑलरेडी मेरा हाल बिगड़ा हुआ है रियल में, और इसने ड्राइंग में और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। ये देखो ये एक तरफ पापा भी है, मम्मी भी है, भूत कहाँ है? अच्छा वो भूत बना दिया है मम्मी, वो मम्मी है या पापा है? और पापा कहाँ है फिर? नहीं है पापा, या अभी पापा, एक बार बताओ क्या है? या आप गंदी हो। अच्छा और पापा? और पापा अच्छा। हाँ भाई मैं गंदी कैसे हूँ? मैं गंदी कैसे हूँ पहले ये बताओ, पहले आप मुझे ये बताओ मैं गंदी कैसे हूँ। ये देखो भाई, ओ दिमाग तो है छोरी में, वाओ ये देखो। आप बड़े होके क्या बनोगे मिशा? नहीं मतलब पायलट बनोगे, डॉक्टर बनोगे, पुलिस बनोगे, वकील, या क्या फिर वो मतलब आर्टिस्ट? मैं हो गई रेडी नीचे जाने के लिए, तो चलो चलो चलते हैं। आपको मेरी शॉप दिखाती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ घर से, वहीं जाके मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, ठीक है। ये हमारे हैं, ये इसकी
मेरी बहन ने आपकी बेटियों के लिए दहेज के लिए लिए जो आते ना फेरी वाले उनसे। ये है मेरी, मैं सनाया के पैर पे चढ़े इसकी लगी हुई थी और लग गई इसके। ये मैं डमी में सूट लगा रही थी क्योंकि कल सूट इसमें जो लग रहा था वो बिक गया। डमी में सेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब उसको सही सेट नहीं होता तो फिर और जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए लगाना भी ज़रूरी होता है। तो ये मेरी दुकान है, मैं इसका कपड़ा बताती हूँ आपको। ये जोधपुर से लाई थी मैं बंदेज सूट सारे, ये सूती के सूट हैं तो मैं इनको जोधपुर से लाई थी। अभी मैं भाई की शादी में गई थी तब मैंने, जोधपुर मेरा पियर है तो मैं वहाँ से गई तब लेकर आ गई। बंदेज के सूती भी हैं और प्योर के भी हैं और चुनरी दुपट्टे भी हैं, आप अभी देखना इस वीडियो में। और जो ये सूट लटक रहे हैं ये भी, और बाकी जो कपड़ा है मीटर का थान का वो मैंने सूरत से मंगा रखा है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो ये मेरी आवाज़ रिकॉर्ड में बिल्कुल बहुत कम आ रही थी तो मैं अब अलग से इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाय फ्रेंड, तो दो दिन का व्लॉग हो गया है कंप्लीट। अब मैं अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना प्लीज़। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जो नए व्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मैंने इस व्लॉग में सभी दो दिन में सब कुछ बताया थोड़ा थोड़ा, मेरी दुकान भी बताई आपको, मैं क्या काम करती हूँ। घर पर बिजनेस अभी मैंने स्टार्ट किया था, एक साल होने वाला है अगस्त को, तो प्लीज़ इस वीडियो में पूरा मैंने सब कुछ बताया दुकान के बारे में, जो भी घर में करती हूँ डेली। तो ऐसी होती है हमारी नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी, बस कंटिन्यू वही 30 दिन रहते हैं, कोई गेस्ट आता है तो कुछ अलग हो जाता है। तो बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको। मैं मेरी शॉप कब स्टार्ट की उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कब की और कैसे की। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।